सोनिया गांधी का ये बयान एक भद्दा भी है और मजाक भी है। ये कहना कि राजीव गांधी का जब 1984 में मैंडेट मिला तो डर और खौफ का माहौल नहीं था देश में, अगर कभी डर और खौफ का माहौल था तो 1984 से लेके 1979 तक था। बेगुनाह सिखों को मारा जा रहा था और जो 8000 से ज्यादा बेगुनाह सिख मारे गए उनको इंसाफ भी नहीं लेने दिया। सज्जन कुमार जगदीश टाइटल कमलनाथ जैसे लोगों को सामने लाकर हमें डराया जाता था, धमकाया जाता था, एक ऐसा डर का माहौल पेश कर रखा था। कोई बयान नहीं दर्ज करा सकता था अपना, कोई कोर्ट में खड़ा होकर अपनी बात को नहीं कह सकता था, कोई कमीशन के आगे अपने बयान नहीं दर्ज करा सकता था। और एक आज की सरकार का वक्त है, मैं याद करना चाहता हूं सोनिया गांधी को, खास तौर पर मुखर्जी नगर में एक सिख के ऊपर हमला होता है, पुलिस वाले उसकी पगड़ी उतारते हैं और सारे के सारे पुलिस वाले नौकरी से जाते रहते हैं, गवाह नौकरी अपनी गवानी पड़ती है। और तुम्हारे टाइम पर क्या हुआ, तुमने कमलनाथ सज्जन कुमार जगदीश टाइटल एचकेएल भगत जैसे लोगों को पनपाया, उनको शह दी और हमें डराने का काम किया।